हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दिन और रात के अंदर 1000 रकात नमाज नफिल अदा फरमाती थी। किसी शख्स ने सवाल किया कि राबिया बसरी 1000 नवाफिल दिन और रात में मुकम्मल कर लेती हैं, रब से मांगती क्या है? आप फरमाने लगी, ऐ पूछने वाले, मैं रब से कुछ भी नहीं मांगती, मैं इसके सवाब की तलबगार नहीं हूं। वो शख्स ये बात सुन के हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया कि राबिया बसरी ये कैसे मुमकिन है कि दिन और रात में 1000 नफिल अदा फरमाती हैं, फिर रब से मांगती भी कुछ नहीं। आप फरमाने लगी कि ये मैं 1000 रकात नमाज नफिल इसलिए अदा करती हूं कि कयामत के दिन सारे अंबिया इकट्ठे होंगे और उनकी उम्मतों के आमाल उन अंबिया के सामने पेश किए जाएंगे, लेकिन मैं भी एक अल्लाह की बंदी होंगी कि मेरे सारे आमाल, ये मेरी इबादत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की जाएगी, और जब मेरे महबूब मुस्तफा मेरे इन नवाफिल को, मेरी इबादत को जब देखेंगे तो मेरे महबूब मुकर्रम खुश हो जाएंगे। आप फरमाने लगी, मैं रब से इसका सवाब नहीं चाहती कि रब मुझे इसका अजर दे, रब करीम मुझे इसका सवाब अता फरमाए, अल्लाह करीम इन नवाफिल का सिला अता फरमाए, लेकिन आपने फरमाया मैं 1000 नफिल दिन और रात में इसलिए रोज पढ़ देती हूं कि इससे मेरे मुस्तफा राजी हो जाए, हसनैन करीमैन के नाना खुश हो जाए, और कयामत के दिन जब मेरे आमाल मेरे महबूब के सामने पेश किए जाएं तो मेरे महबूब मुस्तफा भी अपनी बंदी के, अपनी खादमा के आमाल तमाम अंबिया किराम को दिखा सकें, ये सब कुछ मैं कर रही हूं तो रजाए मुस्तफा के लिए कर रही हूं।